Hey viewers, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर टिक्का सैंडविच की रेसिपी. पनीर टिक्का तो हम जनरली खाते रहते हैं, पर उसके सैंडविच हम लोग ये सोच के रुक जाते हैं घर पे बनाने में कि बहुत टाइम लगेगा, पर ये सैंडविच आपके सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे. हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 5 मिनट में. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी. उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पनीर टिक्का सैंडविच की रेसिपी. सरसों का तेल ले लेंगे 2 चम्मच और इसको अभी अच्छे से पका लेंगे ताकि ये गरम हो जाए. इसी से स्मोकी फ्लेवर आएगा पनीर टिक्का में. गरम में हम सरसों का तेल गरम कर लेंगे. तेल मेरा गरम हो गया है, मैंने गैस बंद कर दी है. 2 चम्मच तेल डाला है, देखिए इसमें से कैसे धुआं निकल रहा है. सरसों का तेल ही यूज होगा इस रेसिपी में, उसी से स्मोकी फ्लेवर आएगा. इसको बहुत अच्छे से गरम करना है हमने. अब एक बर्तन ले लेते हैं. एक बर्तन में मैं ऐड करूंगी थोड़े से मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च. ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने, इसमें कसूरी मेथी. और इसमें ऐड करेंगे जायफल का पाउडर और भुना जीरा. जीरे को भून के मैंने उसका पाउडर बना लिया है. अब इसमें नमक डाल दूंगी मैं. नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं. और इसमें अब ऐड करेंगे हल्दी. बिल्कुल थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे चीनी. इसमें थोड़ी सी ऐड कर ली है हमने चीनी. अब जो सरसों का तेल मैंने गरम करके रखा हुआ है उसको इसमें डाल देंगे. इसको मिक्स करेंगे अच्छे से. अब इसमें डाल दूंगी मैं 2 चम्मच गाढ़ा दही. इसमें गाढ़ा दही ही डलेगा इस रेसिपी में. आप चाहे तो 2 चम्मच से कम भी यूज कर सकते हैं अगर आपका दही खट्टा हो तो. इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से. अब इसमें डाल दूंगी मैं अनियन. मैंने एक छोटा प्याज काट के रखा हुआ है, इसको डाल देंगे. छोटा छोटा बारीक बारीक ही काटना है आपको. अब इसमें डालेंगे पनीर. मैंने इसमें 250 ग्राम पनीर ले रखा है. 250 ग्राम पनीर के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं. अब इसमें मैं वो डाल दूंगी. अब इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छे से. बहुत धीरे धीरे मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे ना. पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने. ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है. आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है. अब एक पैन ले लेंगे, तवा ले लीजिए, क्योंकि ये सैंडविच तवे पे बहुत अच्छे बनते हैं. तो इसलिए मैंने तवा लिया है. तवे का गैस ऑन, इसकी गैस ऑन कर देंगे. अब एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उस पर इस तरह से हम बटर या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं, ऐसे फैला लेंगे. अब इसको मैं तवे पे, ये जो मैंने तवा गरम किया है उस पर रख दूंगी. गैस का फ्लेम लो कर दूंगी मैं ताकि जल ना जाए. अब इस पे जो मैंने ये स्टफिंग बनाई है, वो मैं मेरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख दूंगी. अच्छे से फैला देंगे इसे. अब ये मैंने अच्छे से इस पे पनीर की स्टफिंग फैला दी है पनीर टिक्का के सैंडविच के लिए. उसके ऊपर मैं ये स्लाइस चीज रख दूंगी. आप चाहें तो मोजरेला, प्रोसेस, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं इस पे. अब इसके ऊपर हम एक और ब्रेड स्लाइस रख देंगे इस तरह से. और इसके ऊपर भी मैं बटर या घी लगा दूंगी. देखिए इसके ऊपर भी मैंने बटर या घी, मैं तो घी लगा रही हूँ. आप चाहें तो बटर यूज कर सकते हैं. अब इसको हम नीचे से पलट देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे. इसको दबाना बहुत जरूरी है ताकि ये चिपक जाए. ये सैंडविच नीचे से सिक गया है. अब हम गैस बंद कर देंगे. अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है. इसको मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है.
देखिए ये मेरा पनीर टिक्का सैंडविच बनके रेडी है और ये बहुत टेस्टी बनता है खाने में। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ये पनीर टिक्का सैंडविच बनके रेडी है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और आप बना के अपने साथ मेरे साथ अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा कि आपका ये कैसा बना है पनीर टिक्का सैंडविच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय।